गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन का लेक्चर नंबर 3। और ये टोटल लेक्चर जो था हम लोग का वो रिलेशन फंक्शन का 8 नंबर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन तक पढ़ चुके थे। हम लोग का अगला एम था लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन को हम लोग हिंदी में रैखिक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक फलन। ठीक है, जनरल बात क्या है कि लीनियर का मतलब क्या है कि लीनियर मतलब होगा कि जिसका वैसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसका डिग्री कितना हो? एक हो। डिग्री कितना हो? एक हो। अगर जिस पॉलिनोमियल फंक्शन का डिग्री 1 हो गया वो क्या होगा? लीनियर फंक्शन होगा। ठीक है, इसका बनावट कैसा होगा? तो एफ मैप्स आर टू आर y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स ए एक्स प्लस बी। क्या होगा? ए एक्स प्लस बी। ये सिंपल भाषा में समझे तो वैसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसका डिग्री क्या होगा? एक होगा। डिग्री कितना होगा? एक। तो वैसे पॉलिनोमियल फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर फंक्शन। यहां आपका a और b क्या है? आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है। a और b क्या है? आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो जैसे कि इस फंक्शन में हम लोग का डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर। कोडोमेन क्या हो जाएगा? वो भी रियल नंबर। और कहा जाए तो इसका रेंज भी क्या आएगा? कोई रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, और इसके हम लोग जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वाई बराबर है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। कितना है? टू एक्स प्लस थ्री। तो हम देख रहे हैं कि इसका डिग्री कितना है? एक है। डिग्री कितना है? एक है। तो डिग्री एक है तो इतना बात जान लीजिए कि जिस पॉलिनोमियल फंक्शन का डिग्री जीरो या एक रहे, जीरो या एक रहे, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब वो स्ट्रेट लाइन कैसे करता है? जैसे कि मान लीजिए कि इसका हमको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? तो जनरली हमारे पास 2x प्लस 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी दो पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे? कोई भी दो पॉइंट, क्योंकि यहां पर कोई स्ट्रेट लाइन बन रहा है। क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो हमको मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? दो पॉइंट चाहिए। मिनिमम दो पॉइंट क्यों चाहिए? क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन को, कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो दो अलग अलग बिंदु से कोई एक ही स्ट्रेट लाइन जा सकता है। क्या हो सकता है? दो अलग अलग बिंदु है ना, तो उसे क्या होगा? कोई एक ही स्ट्रेट लाइन जा सकता है, उसके अलावा स्ट्रेट लाइन कोई और नहीं जाएगा। अगर कोई दो अलग अलग बिंदु है, ठीक है, उसे कितनी रेखाएं गुजरेंगी? एक ही रेखाएं गुजरेंगी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में। ठीक है, मान लीजिए एक्स का वैल्यू जीरो हम रखें। क्या रखें? एक्स का वैल्यू। तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? इस सब के बारे में आप लोग जानते रहे होंगे पहले से। ठीक है, x का वैल्यू जीरो तो y का वैल्यू तीन हो जाएगा। फिर x का वैल्यू अगर मान लो कि हम एक रख दिए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? पांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हमारे पास दो बिंदु आ गया, एक हो गया a बिंदु जो जीरो कॉमा कितना है? तीन है, और एक b बिंदु है जो एक कॉमा पांच है। यानी दो बिंदु हमारे पास है, तो अब हम लोग इससे क्या करेंगे? रेखा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो देखिए, ये तो आप लोग जानते होंगे सब कैसे बनता है। सो चलिए अब देखिए कि x का मान अगर आप जीरो रखिएगा तो y का मान तीन है, यानी कि जीरो कॉमा तीन। तो बाबू रे, जीरो कॉमा तीन कहां पर होगा? जीरो कॉमा तीन y x पर होगा, ये वाला। ये क्या हो गया हमारा? a बिंदु। क्या हो गया? a बिंदु। फिर आपका 1.5 कहां पर होगा? तो x का मान 1 ले लीजिए, इसको सामने चले जाइए, और कहां पर? 5 पर। कहां पर चले जाइए? 5 पर। ये आपका क्या हो जाएगा? 1.5, जिसे हम कौन सा बिंदु कह रहे हैं? b बिंदु। कौन सा कह रहे हैं? तो दो बिंदु हमको मिल गया। अब ये दो बिंदु अगर हमको मिल गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग मिलाएंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग मिलाएंगे। इसको मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा?
कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका जो रेखा होगा वो क्या होगा, वाई बराबर टू एक्स प्लस थ्री, ज्यादा नहीं है इसलिए इस पर लिख दिए हैं, है ना। यानी क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस तीन। अब एक और चीज जानिए कि ये एक्स अक्ष को किस बिंदु पर कट कर रहा है, ये अगर हमको जानना हो, ठीक है ना, अगर हमको जानना है कि ये एक्स अक्ष को किस बिंदु पर कट कर रहा है, तो इसके लिए क्या कीजिएगा आप लोग, वाई का वैल्यू जीरो पुट कीजिएगा। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होता है, जीरो। इसलिए कभी भी एक्स अक्ष को काटने वाला बिंदु निकालना है तो वाई का मान जीरो, अगर वाई अक्ष को काटने वाला बिंदु निकालना है तो एक्स का मान जीरो। ये बात आप लोग पिछले क्लासों में पढ़े होंगे, टेंथ में तो पढ़े हैं ना ये चीज। चलिए तो अब आप इसका मान निकालिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर जीरो बराबर टू एक्स प्लस तीन करें तो यहां से हमको x का वैल्यू कितना चलाएगा, माइनस थ्री अपॉन कितना चलाएगा, माइनस थ्री अपॉन यानी कितना चलाएगा, माइनस वन पॉइंट, यानी कि अगर y का वैल्यू जीरो रखे तो क्या हो गया, माइनस वन पॉइंट फाइव कॉमा, यानी कि ये जो रेखा है, ये जो रैखिक फलन है, ये x एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, तो माइनस एक पॉइंट फाइव कॉमा जीरो। किसी को इसमें समस्या है, अगर ऐसा रहेगा कोई भी लीनियर फंक्शन तो आप उसका ग्राफ बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए तो नोट कीजिए इसको, आगे इसी पर अगर आप लोग को कोई भी लीनियर फंक्शन रहेगा तो आप उसका ग्राफ इजीली में बना सकते हैं। अब लीनियर फंक्शन में ही एक आता है आइडेंटिटी फंक्शन, क्या आता है देखिए, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इसी में आता है एक आइडेंटिटी फंक्शन। इसको तत्समक फलन बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है तत्समक फलन, तत्समक फलन क्या होता है देखिए, अगर एफ मैप्स आर टू आर y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स कितना रहे, केवल x रहे, केवल क्या रहे x, यानी कि सघात भी एक रहे और गुणांक भी एक ही रहे और वो भी प्लस में रहे, किसमें रहे, फॉर ऑल x कहां बिलोंग करेगा, रियल नंबर, क्योंकि इसका डोमेन क्या है आपका, रियल नंबर, ठीक है। अब एक और चीज कि इसका हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ये भी क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, क्या है, तो इसका भी ग्राफ क्या बनाएगा, एक सरल रेखा, क्या बनाएगा, सरल रेखा। ठीक है, अब एक चीज जान लीजिए कि इसमें जो ग्राफ बनेगा आप इसमें भी दो बिंदु लेकर के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दो बिंदु हम ले लेते हैं, x का मान और y का, तो x का मान अगर मान लो इसमें जीरो रखे तो y का मान भी जीरो, x का मान एक रखे तो y का मान भी, दो बिंदु हमको मिल गया, एक हो गया क्या रे, नेगेटिव भी ले सकते हो तुम, चलो अब x का मान जीरो तो y का मान भी, और x का मान एक तो y का मान भी, देखो इसको इसे मिला दो, ये ऐसा मैंने मिला ना जी, वो आप लोग स्केल वगैरह से बनाइएगा तो ढंग से बनेगा, ठीक है। दो पॉइंट हमको मिल गया, अब इस दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, इसे करके मिला दिए, आप सीधा एकदम मिलाइएगा, कैसा मिलाइएगा, सीधा इसको इधर खींच दीजिए, इसको तो किसका ग्राफ हो गया रे, y बराबर किसका हो गया, y बराबर यानी कि y बराबर x का जो ग्राफ होगा, जनरली समझिए y बराबर x का ग्राफ, ठीक है, ये किसका हो गया, y बराबर x का। अब एक और समझो, यहां पर एंगल कितना बनेगा, तो एंगल यहां पर बनेगा 45 डिग्री का, कितना का बनेगा, एक बार और जान लो कि ये सब चीज जो है कि कितना एंगल बनेगा, किस समीकरण में कितना एंगल बनेगा, ये सारा चीज हम लोग एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ेंगे, 11th में पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्या पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन में ही हम लोग को इसके बारे में विशेष पढ़ना है। हम लोग को अभी जानना था कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ठीक है, जनरली हम इसको जान गए, अब इस पर कुछ हम लोग इवोल्यूशन भी कर सकते हैं। इवोल्यूशन इन द सेंस कहने का मतलब यह है कि सर
y बराबर x प्लस वन क्या होगा, y बराबर माइनस x क्या होगा, y बराबर x माइनस वन क्या होगा। तो ऐसा ग्राफ अगर हमको खींचना रहे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको पता ही है कि क्या है, ये सब लीनियर फंक्शन है, क्या है, लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन है तो उसका ग्राफ में क्या करते हैं, दो पॉइंट लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, दो पॉइंट, और कोई भी दो पॉइंट लेकर के हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग मिला देते हैं, क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो क्या मिलता है हमको, उसका ग्राफ मिल जाता है। बात को समझ रहे हैं, नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा कि जैसे कि इसमें जो ग्राफ है, ठीक है, हम कुछ ग्राफ आपको देते हैं घर से बनाने के लिए इस पर, फिर आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है, क्योंकि होमवर्क होना बहुत जरूरी है आपके साथ। जैसे कि आपको ग्राफ किसका किसका बनाना है, आपके लिए क्वेश्चन है घर के लिए, प्लॉट द गिवन फंक्शंस। फर्स्ट है y इक्वल्स 3x प्लस 4, ठीक है, इतना का ग्राफ अगर आप लोग बना लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि इवन पावर फंक्शन क्या होता है। इतना बात आप लोग जान लीजिएगा कि कभी भी इतना बात आप लोग जान लीजिएगा कि कभी भी अगर किसी भी बहुपद फलन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन का घात जीरो या एक रहे, अगर घात जीरो रहेगा तो उसे अचर फलन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और अगर घात आपका एक रहेगा तो उसे रैखिक फलन बोलेंगे, और रैखिक फलन के अंदर ही क्या आता है, आइडेंटिटी फंक्शन आता है। तो इस दोनों का ग्राफ जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और अगर पावर जीरो और एक के अलावा कुछ भी रहेगा तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बात समझ रहे हैं, तब वो एक कर्व बनाएगा, क्योंकि लाइन दो टाइप का होता है, एक स्ट्रेट लाइन एक कर्व लाइन, लेकिन ऐसे तो स्ट्रेट लाइन और भी होता है लाइन सबका, ठीक है, जैसे कि एरो लाइन, उसके बाद सोलेनोइडल लाइन, बहुत सारा लाइन होता है, ठीक है ना, जैसे कि लाइन आपका एक इस तरह से भी होता है ना, वेव लाइन, बहुत सारा लाइन होता है, ठीक है, लेकिन ये भी एक पढ़ा क्या हुआ, कर्व्ड लाइन ही हुआ। तो जनरली क्या है, लाइन दो ही टाइप का होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो सीधा रहता है और एक कर्व्ड लाइन, ठीक है, जैसे कि ये लाइन हुआ ना आपका, ये लाइन क्या हो गया, कर्व्ड लाइन हो गया, क्या हो गया, कर्व्ड लाइन। तो अब जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो कर्व्ड लाइन पर ही बनाएंगे, किसे बनाएंगे, कर्व्ड लाइन पर, ठीक है। जैसे कि हमारा अगला है टॉपिक इवन पावर फंक्शन, क्या है, सर, यस बॉस, बोलिए। अच्छा, ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है, तो कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ पिछले लेक्चर में हम करवाए थे, ठीक है, उस पर क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन इसको दे दिया, बात समझ गए, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में जाकर के जो नहीं देखे होंगे कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ, वो जाके देख सकते हैं, और जो पढ़ चुके हैं उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इवन पावर फंक्शन क्या है, इवन पावर मतलब सम घात फलन, ठीक है, क्या है, समघात फलन। समघात फलन क्या होता है, तो समघात फलन होता है क्या, देखिए जब भी कभी क्या हो कि पावर क्या हो जाए, देखिए सुनिए, पावर आपका सम संख्या हो, पावर क्या हो, सम संख्या हो, x के पावर 2n तक, और n बिलोंग्स टू कितना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है।
तो ऐसा कुछ अगर रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इवन पावर फंक्शन। तो पावर क्या है इसका, इवन पावर क्या है इसका। और इतना वजन लीजिए कि पावर अगर इवन रहेगा तो सबका जो ग्राफ का जो बनावट होगा वो एक तरह का होगा। बनावट कैसा होगा, एक तरह का। सबका बनावट कैसा होगा, एक ही तरह का। सबका क्या होगा, बनावट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए। अगर इसमें से हम लेते हैं एक्स स्क्वायर, केवल केवल क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर। और सबका आप लोगों को क्या करना है, सुनिए, x के पावर 4 का भी वैसा ही ग्राफ होगा, 6 का भी, 8 का, सबका एक रंग होगा। लेकिन एक बात है इसमें कि हल्का अंतर क्या होगा, जब हम लोग x स्क्वायर और x के पावर 4 को साथ में बनाएंगे तो हमको देखना होगा कि कौन ग्राफ ऊपर होगा और कौन ग्राफ नीचे होगा। अब ये ऊपर नीचे की बात क्या है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए, अगर आप इसमें पॉइंट बाय पॉइंट रख के बनाइएगा, जैसे मान लीजिए कि ये कर्व बनाता है, क्या बनाता है, कर्व। जनरली क्या बनाता है, ये कर्व बनाता है। ठीक है, अब जनरली ये कर्व बनाता है तो कर्व बनाने के कारण इसमें कोई दो बिंदु पर हम इसका ग्राफ नहीं खींच सकते हैं। कम से कम तो इसमें पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट इसमें हमको चाहिए। ठीक है, जो कि हमको बता सके, चूंकि ये क्या होगा ग्राफ, एक पाराबोला बनाएगा। क्या बनाएगा, पाराबोला। अब ये पाराबोला क्या होता है आप आगे पढ़िएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग आगे अभी इसको देख सकते हैं। इसका ग्राफ जो आप बनाइएगा, कभी भी स्क्वायर फंक्शन है, क्या है, स्क्वायर पावर फंक्शन है। मतलब पावर में क्या है, दो है, पावर में क्या है, दो है, या फिर पावर में चार है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, y बराबर x स्क्वायर। अब बोलेगा सर ऐसा ही क्यों बनेगा, तो जनरली समझिए कि इसमें x का वैल्यू आप पॉजिटिव रखिए तो भी y का वैल्यू पॉजिटिव देगा, नेगेटिव रखिएगा तो भी पॉजिटिव देगा। मतलब x का वैल्यू आप पॉजिटिव रखिए तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव रखिए तो भी। अरे भाई पावर क्या है, यहाँ सम संख्या। पावर क्या है, सम संख्या। पावर जब सम संख्या है तो क्या होगा, x का मान आप कुछ भी रख लीजिए, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, y का वैल्यू क्या आएगा आपको, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। y का वैल्यू क्या आएगा आपको, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। बात समझ रहे हैं। अच्छा, ग्राफ इसका कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कर्व की तरह होगा। अभी इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट नहीं देख रहे हैं, आप इसको कहिएगा तो बुक्स वगैरह में दिया होगा पॉइंट बाय पॉइंट कैसे कैसे क्या किया है। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। अभी जनरली क्या है कि हम लोग सीख रहे हैं कि इसका कर्वेचर क्या होता है। कर्वेचर क्या होता है, कभी भी एक्स स्क्वायर रहे तो बस क्या कर दीजिएगा, इसको ऊपर की तरफ बना दीजिएगा। किसका ग्राफ हो गया, वाई बराबर एक्स स्क्वायर का। अब अगर इसको, इसी चीज को अगर नीचे कर दे, क्या कर दे इसको, अगर इसको क्या कर दे, ठीक, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, माइनस। कभी भी अगर नेगेटिव लग गया तो उस चीज को क्या कर देना है, हमको उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, बात समझे। कहीं पर भी अगर आपको ग्राफ में आपको प्लस वाला आ रहा है, अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो बस प्लस वाले को क्या कर देना है, उल्टा कर देना। क्या कर देना है, जैसे देख ये प्लस में था, देखकर मुंह किधर है, ऊपर की तरफ है, मुंह किधर है। अगर नेगेटिव है तो, जैसे मान लो कि गांव घर में अगर जो कर्जा देने वाला होगा वो एकदम सीना तान के रहेगा, लेने वाला क्या रहेगा, नीचे झुक के जाएगा। तो वही प्रकार है, तो लेने वाला क्या होता है, ऋणात्मक, देने वाला, इसलिए देने वाला जो होगा कहां रहेगा, मुंह उसका ऊपर रहेगा और लेने वाला क्या रहेगा, नीचे रहेगा। हम किसी से कर्जा लाने जाएंगे तो क्या करेंगे, हम उसको आराम से बात करेंगे, हो क्या बात, कैसे करेंगे आराम से कि हमको ऐसे दे दीजिए, लेकिन जो देने वाला होगा जाओ नहीं देंगे। मतलब क्या है कि वो आपसे ऊंचा है, इसलिए प्लस वाला क्या होगा, आपसे ऊपर की तरफ मुंह होगा, ऋणात्मक वाला क्या होगा, मुंह नीचे की तरफ। बात को समझ रहे हैं। अगर x के पावर 4 का बना रहा है तो कुछ ऐसा ही बनेगा, हल्का अंतर होगा। ठीक है, हम लोग उसका साथ में बना करके अभी देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, पहले आप लोग x स्क्वायर का बनाइए। चलिए इसी में अब हम लोग थोड़ा सा ना इवैल्यूएशन करके देखते हैं कैसे क्या होता है। देखिए, देखिए अगर क्या है, y बराबर x स्क्वायर है, ठीक, तो x स्क्वायर का ग्राफ आप लोग कैसे याद कर लीजिए, x स्क्वायर का मुंह किधर होगा, ऊपर की तरफ, कहां मुंह होगा, ठीक है। अगर मान ले कि माइनस एक्स स्क्वायर है तेरे पास, क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, कहां हो जाएगा, ये ठीक है, ये कैसा हो गया, नीचे की तरफ है। क्या हो जाएगा, वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो ये तो हम लोग बना लिए, चलिए ये तो बड़ा इजी था। अब देखिए अब अगर देखो कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तब कैसे बनेगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन कैसे बनेगा। एक्स स्क्वायर का तो हम लोग जानते हैं, लेकिन प्लस वन का कैसे बनेगा, तो सुनिए सबसे पहले ये याद रखिए, एक बात याद रखिएगा, यहां अगर अलग में जो भी कॉन्स्टेंट जोड़ा गया है, अलग में अगर जो भी कॉन्स्टेंट जोड़ा गया है तो मान में किसके बदलाव होगा, x का कि y के, y के मान किसका बढ़ा है, x का कि y का, y का मान बढ़ा है, किसका मान बढ़ा है y का मान कितना हो गया x, माने अब एक ज्यादा हो गया, जैसे अभी यहां पर x स्क्वायर था, अब यहां पर क्या हो गया x स्क्वायर प्लस वन हो गया, तो प्लस वन हुआ तो कहां जाएगा वो चीज, हल्का ऊपर जाएगा, कहां जाएगा हल्का ऊपर, तो कितना ऊपर जाएगा, तो यहां कितना है रे एक, तो एक पर चले जाओ, कहां चले जाओ एक पर चले गए, यानी कि अब जो शीर्ष था यहां पर, पहले शीर्ष जीरो जीरो पर था ना, जैसे यहां पर देखिए पहले शीर्ष कहां है जीरो जीरो पर, अभी शीर्ष कहां हो जाएगा जीरो कॉमा एक पर, कहां शीर्ष हो जाएगा जीरो कॉमा, अब बोलेगा सर ये जीरो कॉमा एक पर ही क्यों हुआ, देखो हमको पता करना है कि वाई अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि y का मान सॉरी x का मान कितना रखेंगे जीरो, x का मान कितना रखेंगे, तो y का मान कितना होगा एक होगा, कितना होगा एक, इसलिए कहां पर चले जाएंगे हम लोग वन पर, कहां पर चले जाएंगे माइनस वन पर, काहे नहीं गए, काहे कि जोड़ा गया, जोड़ेंगे तो क्या होगा ऊपर जाएगा, कहां जाएगा अरे जोड़ेंगे तो कहां जाएगा ऊपर, अगर हटाएंगे तो चलिए तो जोड़ेंगे। अब एक और चीज, अब एक्स स्क्वायर का कैसा कर्वेचर है, ऊपर की तरफ मुंह है, किसकी तरफ है आ कैसा है, ऐसा है ना, ये क्या हो गया वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, बात समझे कि नहीं, बात समझे हो ए बालक, बात समझा, अब तुम बना के दिखाओ एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो कहेगा सुनो क्या कहेगा कि सर ये माइनस वन है सर, तो यहां माइनस वन पर चलेगा सर, ठीक है, और बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है प्लस में है, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे बनता है सर, तो बस क्या कर देंगे इसको ऊपर की तरफ कर देंगे, ये क्या हो गया वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तू कहेगा नीचे की तरफ, अरे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस रहेगा तब ना नीचे होगा, यहाँ तो अभी क्या है प्लस में है तो ऊपर ना रहेगा। अब चलो तुमको पता करना है कि सर ये क्या होगा, ये कितना है, इसका वैल्यू कितना है, तो एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है, इसके लिए क्या करना होगा वाई का मान हमको जीरो रखना होगा, वाई का मान क्या करना होगा, तो वाई का मान जीरो कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर तो एक्स स्क्वायर बराबर तो एक्स बराबर कितना रे प्लस माइनस एक ना होगा रे, कितना होगा तो ये हो गया एक, ये हो गया, बात समझ गए कहां पर कटा सो, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसके बाद एक और चीज, अब आप बना के दिखाइए y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन और y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, चलिए बनाइए। तो हम लोग देखते हैं कि y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखिए फिर से याद कीजिए यहां क्या है आप बाहर में प्लस वन, तो प्लस वन पर चले जाइए, चले गए ओकरा बाद देख अब एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है प्लस में के माइनस में, तो बस कहां मुंह होगा एकरा नीचे की तरफ मुंह होगा, तो ऐसे बना दो क्या दिक्कत है, बन गया। अब देखिए कहां पर कट किया होगा, ये भी तुम पता कर सकता है, कैसे पता करता है रे, कैसे पता करता है y का मान, अरे देखो x अक्ष को काट रहा है ना, तो x अक्ष पर किसका मान जीरो होगा y का, तो y का मान तुम जीरो कर दो, तो जीरो बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर एक, अब x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस, यानी ये एक हो गया और ये माइनस एक हो गया, किसी को समस्या है इसमें। अब फिर तेरा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो ये एहो में क्या दिक्कत है, सर ये भी बहुत आसान है सर,
क्या हो जाएगा सर, माइनस वन पर चलेगा सर। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है सर, माइनस वन है, तो कहाँ रहे, ऊपर के नीचे, नीचे किस दिया, ये क्या हो गया वाई बराबर, बात समझ गया आए? हाँ कैसे कट जाएगा, नहीं ना कटेगा हो, अब नहीं कटेगा तो काहे ना काटिएगा बिना मान समय, उतारिए इसको ठीक है। तो अब आगे हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा अभी तक, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, y इक्वल्स माइनस एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, चाहे इसमें कोई भी कॉन्स्टेंट जुड़ा रहे चाहे घटा रहे उससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। फिर आपको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस स्क्वायर माइनस वन, अब इसमें आपका कोई भी कॉन्स्टेंट जुड़ा या घटा रहे तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, जितना रहेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, जैसे वन रहेगा तो वन पर जाएंगे, माइनस वन रहेगा तो माइनस वन पर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि हमको ग्राफ ऐसा रहे वाई बराबर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, या फिर वाई इक्वल्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर रहे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी क्या है, स्क्वायर पावर है, और ये भी क्या है, स्क्वायर पावर है, तो स्क्वायर पावर कोई भी रहेगा ग्राफ क्या बनेगा आपका, सेम बनेगा, इवन इवन पावर रहेगा तो भी क्या रहेगा, सेम ही बनेगा। अब चलिए, तो हम लोग अगर वाई बराबर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, क्या बना चाहते हैं, एक्स माइनस वन का, चल तो तू देखो, चाहे मान लो कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, कितना का मान चाहते हैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, अब ए के जगह कोई भी नंबर है चलो, तो क्या करेगा देखो, सबसे पहले ठीक है, अब यहां पर कौन सा नंबर है, ए है, क्या है, अभी कहेगा सर प्लस में है कि माइनस में है, तुम कहेगा माइनस में, लेकिन एक्स का वैल्यू हम प्लस में लेंगे, कहा है देखो, एक तुम एक्स माइनस ए बराबर जीरो करो तो एक्स का मान कितना हो गया रे, कितना हो गया, चलो तो एक्स बराबर ए अभी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव, तो मान लो ए यहां पर है, ए कहां पर है, ठीक है, तो एक्स बराबर ए पर हम चले गए, ठीक है। अब यहां से देखो, अब तू स्क्वायर फंक्शन है ना, कैसा है रे, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ तू लोग कैसे खींचा था, कुछ ऐसा खींचा था है ना, लेकिन अब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है तो कैसे खींचेगा, तो भी वैसे ही, क्योंकि पावर यहां क्या है, दो है, पावर यहां क्या है, दो है, पावर दो है तो क्या हो जाएगा, ऐसे खींच देगा इसको, ठीक है, ये किसका हो गया रे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, किसका हो गया, एक्स माइनस ए का, किसका हो गया, एक्स माइनस ए का, काहे हुआ, काहे कि ए पर जाने के बाद हम लोग क्या कर दिए, सेम उसको उतार दिए, सेम क्या कर दिए उसको, अब कहेगा सर ये ऊपर मुझे काहे हुआ, तरे एक अति लगा हुआ है, प्लस है, अगर ए अगर माइनस रहता क्या रहता, देख ये हो गया तुम्हारा वाई बराबर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर इसी को नीचे घींच देंगे तो कैसा हो जाएगा, वाई बराबर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, लेकिन आगे क्या होगा, इसके माइनस लगा होगा, क्या लगा होगा, अब अगर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर है तो थोड़ा माइनस वन ए के पास जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, ये क्या होगा, इसे करके इसे बना दो इसको, ये किसका हो गया, वाई बराबर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इसी को नीचे में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाई बराबर माइनस एक्स प्लस ए का, बात समझ गए, बात समझ गए। अब आप लोग को अगर इस पर क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग क्या बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, पहले इसको नोट कीजिए उसके बाद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग आप लोग क्या कीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस करके देखिए यह क्वेश्चन सब, जो भी पावर अगर इवन रहेगा चाहे पावर दो रहेगा उसका कम से कम आप लोग फुल्ली कर सकते हैं, तो आप लोग देखिएगा, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।